की गई थी, एक लिस्ट थी कौन सी पोलिंग पार्टी, रैंडमाइजेशन के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन सी पोलिंग पार्टी किस बूथ पर जाएगी। तो वो सभी लिस्ट जो जितना मैन पावर चाहिए थी प्लस कुछ एडिशनल स्टाफ सभी ब्लॉक अधिकारियों यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को दे दिया गया था। क्योंकि मैं रोहतक ब्लॉक का रिटर्निंग ऑफिसर हूँ तो रोहतक ब्लॉक में लगभग 165 बूथ हैं, तो हमें उन 165 पोलिंग पार्टीज़ के हिसाब से प्लस एडिशनल रिजर्व पार्टीज़ उपलब्ध कराई गई थी। तो हम 9 तारीख का जो हमारा चुनाव था पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए, उसके 8 तारीख को ये पोलिंग पार्टीज़ ने इंडोर स्टेडियम जाट कॉलेज रोहतक में रिपोर्ट किया था। तो हमने जब इनकी अटेंडेंस ली तो अटेंडेंस के बाद हमने पाया कि लगभग 90 के आसपास ऐसे कर्मचारी थे जो हाजिर नहीं आए। तो हमने फिर क्रॉस भी चेक किया तो लेकिन इनका पाया कि ये सब बिल्कुल एबसेंट की कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ थे। तो क्योंकि कोई भी चुनाव के दौरान अगर एबसेंट होता है या कोई भी कोताही बरतता है तो उसमें चुनाव की ये सभी चुनाव प्रक्रिया चुनावों के नियमों के अनुसार होती है, तो उस कोताही के लिए उसके संबंधित कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ 188 IPC के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है अवमानना का, और दूसरा विभागीय कार्रवाई भी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ करवाई जा सकती है। तो इसी प्रकार की मुझे थोड़ा सा संज्ञान में ये भी आया क्योंकि वो 4 अन्य ब्लॉक जो रोहतक ज़िले में हैं उनमें भी लगभग कुल मिलाकर चारों ब्लॉक का या कह लें कि 5 ब्लॉक का लगभग 300 के आसपास कर्मचारी अधिकारी एक्शन पाए गए हैं। तो इसमें हमें उपायुक्त महोदय से भी निर्देश यही है कि जितने भी ये कर्मचारी एबसेंट हैं इनको बख्शा ना जाए और इनके खिलाफ़ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए, उसी लिए हमने इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। अच्छा सर, तो पूरे ज़िले में लगभग 529 मतदान केंद्र बनाए गए थे, 1000 ड्यूटी पर थे, 300 का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और आगे आपने पंचायत का चुनाव भी कराना है सरपंच के लिए, क्या आगे क्या रणनीति अपनाई है, किस तरह के एक्शन? जैसा कि हमने जो टीमें भेजी हैं क्यों पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए, हमारे बूथ तो वही सेम रहने हैं लेकिन हमने किसी भी विलफुल एबसेंट को बख्शना नहीं है। तो एक ये मैसेज भी रहेगा कि क्योंकि आगे अगर कोई भी इस तरह की कोताही करता है तो उसके ये मैसेज दिमाग में रहेगा कि उसको म्यूजिक भी फेस करना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन भी अकॉर्डिंगली लीगल और प्लस डिपार्टमेंटल एक्शन ज़रूर होगा। No, no.